What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic, See Something New. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे फिल्मोरा एक्स के जरिए आप स्मॉल फ्री 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो इजीली। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल अलर्ट मोड कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैनक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो फिल्मोरा एक्स है। मेरे पास दो वीडियो है। फर्स्ट वीडियो है एक ग्रीन स्क्रीन का और सेकेंड वीडियो है मेरा उठा हुआ वीडियो। फर्स्ट वीडियो आप जो देख रहे हैं वो एक एलिफेंट है, वो वॉक कर रहा है ग्रीन स्क्रीन का। और सेकेंड जो मेरा वीडियो है वो है मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ 60 FPS में एक मेरा फीट का वीडियो जो धीरे धीरे जूम होके आ रहा है। तो ये फीट के ऊपर में वो एलिफेंट को एक स्मॉल फीट एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्रोमा की, इसमें क्रोमा की मार्क इन करेंगे। देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया पर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्रोमा की के अंदर देखिए ऑफसेट, टॉलरेंस, एज थिकनेस, एज फेदर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको ऑफसेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं 5 कर रहा हूँ, दिस इज, या तो 6 कर रहा हूँ, दिस इज परफेक्ट। अब ये जो ग्रीन स्किन है इसको मेरे को मेरा फीट के ऊपर एडजस्ट करना है। फिल्मोरा एक से बेसिक से मीडियम लेवल तक सॉफ्टवेयर है तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि 3D क्रिएट करने का, जैसे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में आप क्रिएट कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ लिमिटेड ऑप्शन के जरिए ही ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर में जो प्रोग्राम मोनिटर है इसमें डबल क्लिक करूँगा, देखिए नेविगेशन आ गया। तो नेविगेशन को मैं छोटा करूँगा और इसके ऊपर बैठाऊंगा। तो देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ये नेविगेशन थोड़ा कम होगा, मतलब छोटा होगा, तो मैं इतना सा कर देता हूँ और इधर से मैं ले आता हूँ। देखिए अब मैं वीडियो के इधर जाके ये पोजीशन में अप्लाई करके मैं इधर देखिए एनिमेशन बोल के है, एनिमेशन में जाऊँगा, कस्टमाइज जाऊंगा, की फ्रेम ऐड किया, देखिए की फ्रेम का ऑप्शन भी आ गया। अभी मैं वीडियो के लास्ट में जाऊंगा, लास्ट में जाने के बाद अभी मेरा हाथ जो है, जो फीट है वो जूम इन हो रहा है, तो मैं इधर भी एक की फ्रेम ऐड करूंगा ये एलिफेंट के वीडियो के ऊपर। देखिए की फ्रेम ऐड हो गया और इसका स्केल को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा जैसे कि वो रियल लगे कि जूम होके आ रहा है। वो ये अभी तक ये ठीक लग रहा है। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। देखिए जैसे मेरा फीट जूम होके आ रहा है वो एलिफेंट भी जूम होके आ रहा है, तो है ना बहुत मजेदार। तो इस तरह से आप स्मॉल फीट एनिमेशन फिल्मोरा एक्स से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका फीट उठाने के लिए या तो मेन वीडियो उठाने का टाइम आपका हाथ बहुत ही हिल गया है या तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गया, आप स्टेबिलाइजेशन कर सकते हो या तो और एक काम एक कर सकते हो। आप इस वीडियो में, मेन जो वीडियो है मेरा फीट का, उसमें डबल क्लिक कीजिए, वीडियो में जाइए, मोशन ट्रैकिंग क्लिक कीजिए। मोशन ट्रैकिंग के बाद देखिए इधर एक रेक्टेंगल आ गया, तो मैं रेक्टेंगल को ठीक तरह से एडजस्ट करके इतना तक दे देता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो एलिफेंट है मेरा इधर से शुरू हो रहा है। तो अभी मोशन ट्रैकिंग में रेक्टेंगल
कि अंदर ये एलिफेंट को रख के स्टार्ट ट्रैकिंग करूँगा। ये अभी ट्रैकिंग हो रहा है, ट्रैकिंग टाइम डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है। मोशन ट्रैकिंग हो जाने के बाद इधर देखिए नन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ग्रीन स्किन बेबी एलिफेंट में क्लिक करूँगा। तो अब आप प्ले कीजिए, मेरा हाथ जिधर जिधर मूव कर रहा है ये ग्रीन स्किन भी उस तरह से मूव कर रहा है। इस तरह से आप अपने वीडियो में स्मॉल फिट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हो और बहुत फेमस और पॉपुलर हो सकते हो ये स्मॉल फिट एनिमेशन के ज़रिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कैसे वीडियो के दिन कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।